तो मोहतरम हजरात, आज आपके लिए इतना बेहतरीन, नायाब, अच्छा, सस्ता नुस्खा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हाल है अपने मसाने की कमज़ोरी को लेकर, नाइटफॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपका दांत निकल रही है, आपकी मनी खारिज हो रही है, आपका नफ्स ढीला है, बचपन में बहुत ज़्यादा गलती कोताही की है, अपनी नसों को ख़राब कर लिया है, यानी बच्चों के मानिंद हो गया है, आपके साथ आपकी सिचुएशन ये हो रही है, जैसे ही नाइटफॉल की प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही है, जैसे ही आप होते हैं आपका नाइटफॉल हो जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। तो दोस्तों, एक बार सो गए, आपका नाइटफॉल हो गया, आप दोबारा सोए, फिर आपका नाइटफॉल हो गया, तो ये परेशानी आपकी बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये नुस्खा कर ले, इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको नाइटफॉल की प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी और आपकी हम बिस्तरी बेहतर व बहाल हो जाएगी, आपकी मनी भी गाड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबसे पहले आपको कद्दू के बीज लेने हैं 100 ग्राम और खसखस लेनी है आपको 100 ग्राम। इन दोनों अदद को आप कूट पीस कर पाउडर की शक्ल बनाने मिक्सी की हेल्प से या इमाम जस्ते की मदद से। अब इनको एक बड़े एहतियात के साथ आपको बर्तन में कर लेंगे। अब इसे यूज़ कैसे करना है, इसे खाना कैसे है, वो गौर व फिक्र के साथ सुने। दोस्तों, जिन लोगों की शादी हो गई है वो इसे सुबह शाम गुनगुने दूध से ले, और कैसे ले, एक गिलास दूध में शहद डाले 1 चम्मच और 2 चम्मच ये खा जाए और ऊपर से दूध पी जाए गट गट करके। इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी नाइटफॉल की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपकी मनी गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल शहद के माने फेवी गोल की तरह। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नुस्खा बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।